हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि हमारी जो सिलाई मशीन होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो दोस्तों वो जाम क्यों चलती हैं। जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे चलाते चलाते मशीन या फिर थोड़े दिन के लिए रख देते हैं हम, तो हमारी मशीन काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाती है या फिर चलते चलते हमारी जाम हो जाती है। तो उसमें दोस्तों दो रीज़न होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े, जो हमारी मशीन को जाम कर देता है। तो दो रीज़न क्या है दोस्तों, मैं वीडियो में आपको आगे डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी मशीन नॉर्मल जो चलती है नरम, वो कैसे चल सकती है। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन है दोस्त जो हमारी मशीन काफी ज्यादा टाइट चलती है जिसकी वजह से। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों ये हमारी अम्ब्रेला मशीन है। ठीक है, आपकी हाथ वाली भी मशीन हो सकती है। जैसे ये दोस्तों जो अम्ब्रेला मशीन होती है, काली मशीन जिसे बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं, आपके पास हाथ वाली भी मशीन हो सकती है। ज्यादातर क्या होता है, हाथ वाली मशीन लेडीज इस्तेमाल करती हैं, और ज्यादातर दोस्तों ये जो हमारी बड़ी मशीन है, ये बुटीक पे या फिर दोस्तों नॉर्मल सिलाई का काम करते हैं उनके पास रहती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम थोड़े दिन के लिए मशीन छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं, या फिर कई बार होता है हमारी चलते चलते अचानक से मशीन टाइट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या रीज़न होती है दोस्तों जो हमारी मशीन रख के टाइट हो जाती है, या फिर चलते चलते हमारी मशीन टाइट चलने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या रीज़न है, वो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, हम जो मशीन यूज करते हैं उसमें दोस्तों हम तेल नहीं डालते। जैसे हफ्ते में आपको दो से तीन बार तेल डालना ही डालना है। अगर आपकी हल्की टाइट भी चलने लग जाए ना, तब भी आपको तेल का यूज करना है। अब तेल कहाँ पर डालते हैं मशीन में, वो भी मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ। जैसे नॉर्मली हम मशीन है, ठीक है, ये हमारी मशीन है, तो यहाँ पर हमारी माल होती है, इसे दोस्तों पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पैरदान से हम हटा देंगे, यहाँ से मशीन से पैरदान को हटा देंगे, माल को, ठीक है, इस पट्टी को, और इसको क्या करेंगे, मशीन को एकदम सीधा कर देंगे, इस तरीके से इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम, अब यहाँ पर हमें तेल डालना है, जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं यहाँ पर, सारे पॉइंटों में आपको ऑयल डालना है। ठीक है, तेल डालना है, ये कुप्पी है दोस्तों, इस तरीके से आपको तेल ले लेना है मार्केट से। ठीक है, मशीन वाला आप तेल ले लें, इस तरीके से आप दुकान पे जाएंगे, नॉर्मली तेल मिल जाएगा जहाँ पर मशीन का सामान मिलता है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जितने भी यहाँ पर हमारे जोड़ है ना, इस जगह पे हमारे जोड़ हैं, यहाँ पर आपको तेल डालना है। जैसे इस तरीके से हमारा शटल है यहाँ पर, तो शटल में जैसे हमारी डिब्बी वगैरह होना है इसमें, तो आपको बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से। ठीक है, डिब्बी बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये तो बड़ी मशीन है, आपका छोटी मशीन में अलग तरीके से हो सकता है, ये बड़ी मशीन है लेकिन प्रोसेस एक ही रहेगा। जहाँ पर आपके जॉइंट हों, छोटी मशीन हो या बड़ी मशीन, उसमें आपको फिनिशिंग से तेल डालना है। अब यहाँ पर डिब्बी के बराबर से यहाँ पर हमारा तेल डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दो से चार बूंद हर जोड़ पे डालना है इस तरीके से। ठीक है, जितने भी जोड़ आपको दिखाई दे रहे हो उसमें दोस्तों दो से तीन बूंद आपको डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डिब्बी है, यहाँ पर जो बाइबिन डिब्बी है, इसमें क्या है, धागा हमारा फंसता है यहाँ पर, तो इसके अंदर भी इस तरीके से करते हुए आपको तेल इसमें डालना है। ठीक है, दो से तीन बूंद इस तरीके से आपको जोड़ में डालना है, सारे जोड़ों में इस तरीके से हम तेल डाल लेते हैं। ये दोस्तों जो हम तेल डालेंगे वो फिनिशिंग से डालेंगे, ज़्यादा भी ना डालें। और दोस्तों तेल ऑयल जो डालते हैं वो हमेशा डालेंगे, जैसे काला कपड़ा सिल रहे हों या डार्क कपड़ा सिल रहे हों, अगर आप वाइट कपड़ा सिलते हैं ना, तेल को बिल्कुल मत डालना। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें दाग लगने की शिकायत आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सारे जोड़ों पे हम तेल डाल लेंगे, इस तरीके से हम तेल डाल लेंगे। और एक ऑप्शन है दूसरे, यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ तेल डल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मशीन को इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। ठीक है, मशीन को सीधा करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारी बाइबिन है इसमें से निकाल लेंगे, डिब्बी हमारी ये है, बाइबिन हमारी ये है, तो बाइबिन से क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हमारा नट लगे हुए हैं, दो नट हैं यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, पेंचकस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मली या डिब्बी से भी इस तरीके से बाइबिन से खोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नट को ढीला करने के बाद ये पट्टी हम हटा देंगे, ये पटली हटा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर भी हमारे मशीन के जोड़ हैं, इस जगह पर हमारे जोड़ हैं मशीन के, तो क्या करेंगे, सब जोड़ों में आपको डालना है तेल, इस तरीके से फिनिशिंग से आपको तेल डालना है सब जोड़ों में, इस तरीके से हम तेल डाल लेंगे, जितने भी जोड़ है ना आपको फिनिशिंग से आपको सब में तेल डालना है, दो से तीन बूंद, इस तरीके से हमारा ये तेल पड़ जाएगा यहाँ पर मशीन में पूरा प्रॉपर तरीके से। आप सब जोड़ों में डाल लें, इस तरीके से मशीन चलाते रहें और आपको तेल डालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा तेल पड़ जाएगा फिनिशिंग से। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ना मशीन पर लिखा भी होता है ऑयल वगैरह कहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल वगैरह कहाँ पर डालना है। इस तरीके से हमारे इसको हटा देंगे और इसमें भी हम दो से तीन बूंद इस तरीके से डाल देंगे, और यहाँ पर जो ऑयल वगैरह लिखा हुआ ना, यहाँ पर इस तरीके से हम बूंद बूंद करके डाल देंगे इसमें तेल। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी गुल्ली सी लगी हुई है, लेकिन आपका अलग तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुल्ली को इस तरीके से नीचे करेंगे और यहाँ पर हम तेल डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा तेल पड़ जाएगा। और चाहो तो यहाँ पर हमारा पहिया होता है,
इस जगह पे हमारा तेल पड़ सकता है, ठीक है। हल्का सा क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ऑप्शन दे रखा है, हल्का सा दो बूंद करके, तीन बूंद करके इस तरीके से आप तेल डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी मशीन में तेल किस तरीके से डालें। अगर आप रख देते हैं मशीन काफ़ी दिनों के लिए और चलाते हैं बिना तेल के, तो क्या होगा, हमारी भारी चलती है मशीन जो होती है, काफ़ी भारी चलती है। ज़्यादा दिन के लिए रख देंगे तो हमारे पुर्जे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं। तो जब भी आप मशीन रखें, जैसे फ्री करें काम करके आप मशीन रखते हैं 2 से 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आपको क्या करना है, मशीन में तेल डाल के ही रखें, ठीक है। हमेशा जहां जहां मैंने आपको बताया वो जगह पे आप तेल डाल के ही मशीन को अच्छे से रखें। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, मशीन में तेल किस तरीके से डालें जो आपकी मशीन जाम ना हो। और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको सिखाता हूँ कि काम करते करते हमारी मशीन जाम क्यों हो जाती है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे जो पुर्जे होते हैं ना यहाँ पर, इसमें हमारे धागे फंस जाते हैं चलते चलते। बाय चांस जैसे फर्स्ट नंबर पे धागा हमारा कहाँ फंसता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मशीन को मैं दोबारा उल्टी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारी बाइबिन लगती है इस जगह पे, और बाइबिन में दोस्तों हमारा धागा निकल के जाता है इस तरीके से। तो क्या होता है, कई बार हमारी मशीन पीछे की तरफ घूम जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी बाइबिन है, यहाँ पर डिब्बी जो लगती है, यहाँ पर बाइबिन में डिब्बी में जो बाइबिन लगती है, उससे धागा निकल के क्या होता है, बाइबिन के बराबर ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर, जो जॉइंट पॉइंट है, इस जगह पे क्या होता है दोस्तों, हमारा धागा फंस जाता है यहाँ पर, क्योंकि गैपिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे ये जोड़ हो गए, इन पे ना गैपिंग काफ़ी कम होती है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका सिंगल धागा भी फंस गया ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाएगी मशीन, अगर आपका सिंगल धागा भी फंस गया तो आपको क्या करना है, जब मशीन हम यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम अगर आपकी हल्की सी भी भारी चलने लग जाए, यानी कि टाइट चलने लग जाए मशीन, तो आपको चेक करना है कहीं हमारे इसमें धागा तो नहीं फंस गया है, ठीक है। अगर आपका फंस गया होगा तो उसको तुरंत निकाल दें, ज़्यादा देर तक आप मशीन को यूज ना करें टाइट। अगर आपका ज़्यादा फंस गया ना तो काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी देर बाद या काफ़ी दिनों बाद आपकी मशीन सही होगी, ठीक है। जब आपका धागा कट जाएगा ना, उसके बाद दोस्तों हमारी मशीन ठीक हो जाएगी। तो इसलिए जब आपकी शुरुआत में ही टाइट चले ना मशीन, तभी आपको चेक कर लेना है कहीं जोड़ पे आपका, ज़्यादातर जोड़ पे यहाँ पर ही धागा हमारा फंसता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा जो शटल है, शटल के बराबर से ही धागा हमारा यहाँ पर फंस जाता है। तो इसे चेक कर लें जब आपकी चलते चलते मशीन टाइट हो जाए तब, ठीक है। पहला रीजन ये हो गया हमारा यहाँ पर धागा फंस सकता है। अब दोबारा हम मशीन को सीधा कर लेते हैं, और दूसरा रीजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा धागा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा धागा यहाँ से जाएगा सुई में, तो सुई से जब धागा चलते चलते टूट जाता है ना, जब हमें सुई से धागा टूट जाएगा, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारा धागा चला जाता है, इसके अंदर हमारा धागा चला जाता है। जैसे स्पीड में मशीन यूज करते हैं तो धागा टूट के हमारा अंदर चला जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पुर्जे हैं तो इसके ऊपर भी दोस्तों हमारा धागा लिपट जाता है, और इसके अंदर हमारा फंस जाता है धागा। तो आपको जैसे ही आपको टाइट होना मशीन हल्की फुल्की, तो ये नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा धागा तो नहीं फंस गया, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हमारे धागे बिखरे रहते हैं जमीन पर, कई बार रह जाते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा धागा लगा हुआ था, इस जगह पर धागा लगा हुआ होता है, तो धागे में से जब धागा निकलता है तो कई बार क्या होता है, हमारा पहिए में भी लिपट जाता है धागा, हमें ध्यान नहीं रहता है लेकिन पहिए में हमारा लिपट जाता है। तो इस चीज़ का भी अगर ध्यान रखें आप, कि अगर आपका धागा फंस जाए तो आप पहिए में भी चेक कर सकते हैं कि हमारा मशीन क्यों टाइट चल रही है। ये सबसे बड़ा हमारा रीजन होता है, अक्सर ये गलती हो जाती है, जैसे हम ध्यान नहीं रखते हैं और हम मशीन यूज कर देते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस होती है मशीन की हमारी चल रही है। तो ये सब चीज़ आप चेक करेंगे ना, अगर आपका धागा फंस रहा हो, तेल आप अच्छे से डालेंगे, चेक करते रहेंगे मशीन को कहीं हमारे धागे वगैरह तो नहीं फंस रहे मशीन में, तो आपकी मशीन हमेशा लूज चलती रहेगी, कभी टाइट नहीं होगी। ये 2 पॉइंट मैंने आपको सिखा दी बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपकी मशीन क्यों टाइट चलती है। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि हमारी मशीन छल्ले क्यों बनाती है, काफ़ी ज़्यादा धागे क्यों खराब देती है, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसी वीडियो का, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि मशीन में तेल किस तरीके से डालें और हमारी मशीन क्यों जाम चलती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया कि मशीन में तेल किस तरीके से डालते हो, अगर हमारी मशीन जाम कर चलती है तो उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।